Basic nursing and also for the first year student, that is GNM BSc first year, okay? Because ये topic जो है ये आपका fundamental में भी आता है and MSN में भी आता है, medical surgical nursing में भी आता है, okay guys? So हाँ, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Disinfection and sterilization के बारे में. So guys, इसमें difference क्या है? Disinfection क्या होता है? वो क्या करता है? Kill करता है microorganism को, ठीक है? और sterilization क्या होता है? वो भी kill करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर स्पोर्स, ठीक है? सो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है. सो फर्स्टली हम डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद यूजिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट. ओके स्टूडेंट, जो डिसइंफेक्शन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करते हैं, रिमूव करते हैं, किसके थ्रू? यूजिंग डिसइंफेक्टेंट. इट मीन्स जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स होते हैं. नाउ कम्स ऑन द स्टरलाइजेशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच किलिंग ऑफ microorganism with their spores. Okay guys, देखो डिसइंफेक्शन में क्या होता है, मेनली याद रखना है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, रिमूव करते हैं थ्रू डिसइंफेक्टेंट एजेंट्स. और स्टरलाइजेशन में क्या होता है, सेम किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बट देयर स्पोर, जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उनको भी किल कर देता है स्टरलाइजेशन. मतलब कंप्लीटली अगर आप बोले कि स्टरलाइजेशन किसके थ्रू होती है, सो स्पोर्स के साथ जो किल हो जाते हैं, सो वो कंप्लीट स्टरलाइजेशन के अंदर आता है. नेक्स्ट वन आता है एंटीसेप्टिक. नेक्स्ट डेफिनेशन है एंटीसेप्टिक्स. सो जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो हम यूज में लेते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दीज आर द डिसइंफेक्टेंट That is used for removal of microorganism. So, disinfection और sterilization में mainly उनकी definition और पता होना चाहिए. जिन agents को हम use करते हैं उनको disinfectant agent बोलते हैं और aseptic बोलते हैं. Okay? Next one is the some other definitions. ठीक है, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, लाइक बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक और एसेप्टिक्स. डेफिनेशन कौन सी? बैक्टीरियोसाइडल. सो स्टूडेंट, बैक्टीरियोसाइडल्स कौन होते हैं? जो किल्स करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? किल करते हैं माइक्रोब्स को, उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसाइडल. किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनको टोटली किल करते हैं बैक्टीरियोसाइडल. यहां पे बैक्टीरियो रिलेटेड टू बैक्टीरिया एंड द साइडल रिलेटेड टू किलिंग. इसमें आपके क्या आते हैं? जर्मिसाइड्स, फंजीसाइड्स,
जर्मिसाइड्स, फंजीसाइड्स, जिसमें जर्म्स को और फंजाई को भी क्या करते हैं, किल करते हैं. नेक्स्ट वन आता है बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टीरियोस्टैटिक, सो गाइस जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, जिसमें आपके जर्मिस्टैटिक्स, फंजीस्टैटिक्स, ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. सो इनमें डिफरेंस क्या है, साइडल रिलेटेड टू किलिंग एंड स्टैटिक मतलब ग्रोथ को स्टॉप करना. नेक्स्ट आता है एसेप्सिस. नेक्स्ट आता है एसेप्सिस. सो एसेप्सिस क्या होता है, प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन टू पर्सन फ्रॉम एनी माइक्रोब्स. प्रिवेंट कंटामिनेशन टू पर्सन फ्रॉम माइक्रोब्स. ओके गाइस, आपने किस किस के बारे में पढ़ा, डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, एसेप्टिक्स क्या होते हैं, उसके बाद बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड द एसेप्सिस. साइडल किल करता है, स्टैटिक स्टॉप करता है ग्रोथ को, और एसेप्सिस प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन से. एंड द लास्ट वन क्या आता है आपका, सैनिटाइज. गाइस सैनिटाइज का तो आपको पता ही होगा, आजकल डेली यूज करते हो, ठीक है, कोरोना टाइम चल रहा है, डेली यूज करते हो आप सैनिटाइज. सो सैनिटाइज क्या होते हैं, वो रिमूव करते हैं पैथोजेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सैनिटाइज, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, सैनिटाइज ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स. ओके गाइस, ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, पैथोजन को रिमूव करते हैं कौन, सैनिटाइज जो होते हैं आपके. अब आता है गाइस आपका कुछ पैथोजन्स और उनका सर्वाइवल टाइम. लाइक अगर कोई पैथोजन लाइक किसी चेयर पे लग गया तो वो कितने टाइम के लिए सर्वाइव करेगा. एक साइड आप लिख लो पैथोजन्स, अदर अनदर साइड सर्वाइवल टाइम. फर्स्ट वन आता है एचआईवी. जो एचआईवी का वायरस होता है वो कितने टाइम के लिए, मिनट्स टू आवर्स के लिए क्या करता है, सर्वाइव करता है, मिनट्स टू आवर्स. नेक्स्ट वन आता है आपका नोरो वायरस, ठीक है, नोरो वायरस, ये वायरसेस के नाम है. जो नोरो वायरस होता है वो आपका 12 टू 28 डेज तक सर्वाइव करता है, 12 टू 28 डेज. नेक्स्ट वन आता है एसिनोटोबैक्टर, एसिनोटोबैक्टर. ओके, ये कितने टाइम्स के लिए, 3 डेज टू 5 मंथ्स, 3 डेज से लेके 5 मंथ्स तक क्या होता है, इसका सर्वाइवल टाइम होता है. नेक्स्ट आते हैं आपके स्पोर्स. जो स्पोर्स होते हैं 5 मंथ्स तक वो सर्वाइव रहते हैं.
नेक्स्ट आता है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, 7 days. एंड द लास्ट वन आता है HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, कितने दिन के लिए? 16 घंटों से लेके 14 days. ओके, 16 hours से लेके 14 days तक आपका HCV वायरस सर्वाइव करता है. सो गाइज, ये थे कुछ पैथोजन और उनका सर्वाइवल टाइम. फर्स्ट वन इज द HIV, मिनट्स टू आर के लिए सर्वाइव करता है ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, नोवो वायरस 12 to 28 days सर्वाइवल टाइम. देन एसिनोबैक्टर आपका 3 days to 5 months. देन स्पोर्स 5 months के लिए. ओके, HBV वायरस आपका 7 days के लिए, HCV आपका 16 hours to 14 days के लिए. गाइज नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट थिंग्स है. अब आता है आपका मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. नेक्स्ट वन हम क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. ओके, एक साइड आप लिखो फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड. फिजिकल मेथड इधर, केमिकल मेथड. सो कुछ ऐसे फिजिकल मेथड होते हैं जिनका हम क्या नॉर्मली यूज करते हैं. सो हमारा क्या हो जाता है? डिसइंफेक्शन हो जाता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं. सो फिजिकल मेथड में फर्स्ट वन आता है सनलाइट. आपको पता होगा कि सनलाइट क्या करता है? कुछ माइक्रोब्स को किल कर देता है. इसीलिए आपको बोला जाता है जो कपड़े होते हैं उनको सनलाइट में जरूर सुखाना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट वन आता है आपका सनलाइट. नेक्स्ट वन आता है ड्राइंग. कोई भी चीज है उसको ड्राई करना बहुत ही नीडफुल है, बिकॉज जो सॉइल एरिया होता है, जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां पे माइक्रोब्स आएंगे. ठीक है, इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो आपके हैंड्स हैं या आपकी चेयर है, कुछ भी है, उसको आपने ड्राई जरूर करना है. ठीक है, सो फिजिकल मेथड में सनलाइट, ड्राइंग. देन आता है ड्राई हीट. ड्राई हीट करते हैं हम यूज. नेक्स्ट मॉइस्ट हीट. हीट देते हैं, या तो वो ड्राई होती है या मॉइस्ट होती है. ओके, नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन मेथड. सो गाइस, जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है वो भी आपके फिजिकल मेथड का एक पार्ट है. और रेडिएशन आल्सो, रेडिएशंस भी आपकी किस में आती है? फिजिकल मेथड में. नाउ कम्स ऑन द केमिकल मेथड्स. केमिकल मेथड्स में आपके एल्कोहल, एल्डिहाइड्स. ठीक है, एल्कोहल स्वैब जो होती है, एल्डिहाइड्स होते हैं, हैलोजन्स होती है, फिनोल्स होता है, हैलोजन्स, फिनोल, ये क्या है? केमिकल एजेंट्स है जो हम केमिकल मेथड में यूज करते हैं. और आपका मेटालिक सॉल्ट्स आता है और गैसेस आती हैं. ठीक है, मेटालिक सॉल्ट एंड ऑल्सो द
गैसेस, कुछ गैसेस हैं जिनको हम स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन करने के लिए यूज में लेते हैं। सो गाइस, ये क्या थे आपके फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ द डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, जिसमें फिजिकल मेथड में आपने सनलाइट पढ़ा, ड्राइंग पढ़ा, रेडिएशन पढ़ा, उसके बाद आपने ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन ऑल्सो, ओके। एंड द केमिकल मेथड एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, हैलोजन, फिनोल्स, देन आपके मेटालिक सॉल्ट एंड द गैसेस। सो नेक्स्ट आता है आपका चॉइस ऑफ मेथड, मतलब आप कैसे पता करोगे, आप कैसे चॉइस करोगे कि कौन सा मेथड हमने यूज में लेना है। सो नेक्स्ट आता है आपका चॉइस ऑफ मेथड। तो जो चॉइस ऑफ मेथड्स है डिसइंफेक्शन यूज करने की, वो डिपेंड करती है डिफरेंट कंडीशंस पे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है गाइस। फर्स्ट वन आता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इट मींस कितना रिस्क है इन्फेक्शन होने का, ओके। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज द डिग्री ऑफ सॉइलेज, डिग्री ऑफ सॉइलेज, इट मीन्स कितना सॉइल्ड एरिया है वो, कितना सॉइल्ड ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन आता है प्रोसेस मस्ट नॉट डैमेज द डिवाइसेस, ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स। सो कैसे कैसे आप इनकी मैनेजमेंट कर सकते हो। फर्स्ट वन आता है कंटामिनेटेड रीयूज आइटम शुड बी, मतलब जो रीयूज जिन आइटम्स को आप करोगे वो क्या क्या उसमें हम बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। रीयूजेबल आइटम्स शुड बी, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट वन आता है आपका हैंडल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उनको हैंडल करना है, ठीक है। Handled as little as possible. Okay, contamination होने से बचाने के लिए जितना कम हो सके उनको हैंडल करना है। नेक्स्ट आता है स्टाफ शुड वियर प्रॉपर PPE, जो स्टाफ होता है हॉस्पिटल का उसने वियर करने हैं प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। appropriate PPE. So guys, PPE means personal protective equipments, जिसमें gown, gloving आता है, goggles आती हैं, shoes आते हैं, ठीक है। Next one आता है आपका gross debris remove at the point of use, ठीक है। जो debris होते हैं उनको हमने क्या करना है, should be removed, remove at the point of use, okay. Next one आता है आपका soiled atom remove immediately, जो soiled atom होती हैं guys उनको immediately remove करना है after use, removed immediately after use, ठीक है गाइस। सो ये क्या थी मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड आइटम्स। आपने पहले याद रखना है कि जो रीयूज वाली आइटम है वो क्या होनी चाहिए, हैंडल एज लिटिल एज पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफ शुड बी वियर प्रॉपर PPE, नेक्स्ट डैबिज शुड बी रिमूव एट द पॉइंट ऑफ यूज, एंड द लास्ट वन इज द
soiled atom removed immediately after uses. अब आता है आपका क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट. सो गाइस, जो आपका कंटामिनेशन रिमूव करने का जो मेथड है, फर्स्ट वन क्या आता है, क्लीनिंग. जो आपके आर्टिकल्स हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए. पहले उनको क्लीन करना है, आफ्टर दैट उनके ऊपर या तो डिसइंफेक्शन केमिकल यूज करेंगे या स्टरलाइजेशन मेथड यूज करेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप, क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट. क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट. सो गाइस, जो क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या करोगे आप, सोक इन द एंजाइमेटिक डिटर्जेंट. जो एंजाइम आप यूज कर रहे हो उस डिटर्जेंट में आपने उसको क्या करना है, सोक करना है, डिप करना है. सोक इन टू एंजाइमेटिक डिटर्जेंट. ओके, पहले उनको सोक कर दिया. वियर द एप्रोप्रिएट पीपीई. इसमें भी आपको क्या करना है, वियर एप्रोप्रिएट पीपीई, बिकॉज हो सकता है डिटर्जेंट आपके ऊपर भी पड़ सकता है, इसलिए प्रॉपर पीपीई आपने वियर करनी है. ओके, नेक्स्ट आता है कीप इंस्ट्रूमेंट सबमर्ज्ड इनटू द सॉल्यूशन. Keep instrument submerged into the solution. Okay, it means जो detergent आपने लिया है या जो solution आप use कर रहे हो for the disinfection, उसमें आपने instrument को submerged करना है. Submerged means कि आपने fully merged उनको नहीं करना है, क्या करना है, आधा merged करना है, और उसके बाद उनको clean करना है with the brush. ठीक है, स्क्रब विद द ब्रश. हाँ ठीक है, कीप द इंस्ट्रूमेंट सबमर्ज्ड इनटू द केमिकल्स. ठीक है, केमिकल्स में आपने उनको सबमर्ज करके रखना है, उसके बाद उनको ब्रश से क्या करना है, क्लीन करना है. ओके गाइस, नेक्स्ट वन आता है आपका रिंस द इंस्ट्रूमेंट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका रिंस द इंस्ट्रूमेंट. जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बाद उनको रिंस करना है, धोना है. ठीक है, रिंस इंस्ट्रूमेंट्स. उसके बाद मैंने आपको बताया जो भी थिंग्स आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो सॉइल्ड है उनको ड्राई करना है. सो आफ्टर रिंस द इंस्ट्रूमेंट उनको क्या करना है, ड्राई, ड्राई द इंस्ट्रूमेंट्स. जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको फिर ड्राई करना है. ओके, अब आता है आपका ऑटोमेटेड क्लीनिंग. ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है आपका ऑटोमेटेड क्लीनिंग. क्लीनिंग एक तो आपने क्या कर दिया, जो डिटर्जेंट आप यूज करते हो उसमें डिप कर दिया, उसके बाद उसको ब्रशिंग से क्लीन करके रिंस करके उसको सुखा दिया. अब आता है आपका ऑटोमेटेड क्लीनिंग. ऑटोमेटेड क्लीनिंग. सो गाइज, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, पहले तो इसके टाइप्स होते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्लीनर और इंस्ट्रूमेंटल. ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या आते हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनर एंड द सेकेंड वन इज द इंस्ट्रूमेंटल क्लीनिंग या क्लीनर. टू टाइप्स होते हैं ऑटोमेटिक क्लीनिंग के, अल्ट्रासोनिक क्लीनर और इंस्ट्रूमेंटल क्लीनर होता है. बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, रिड्यूस कर देता है एम्प्लॉई के एक्सपोजर को. ठीक है, टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स टू द स्टाफ. ठीक है, मतलब स्टाफ उनके एक्सपोजर में नहीं आते जो शार्प जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है, बिकॉज उनको क्या हो रहा है, अल्ट्रासोनिक क्लीनर उनको क्लीन कर रहा है. ठीक है, अब आती है एक्टिविटीज ऑफ डिसइंफेक्टेंट. इट मीन्स जो आप डिसइंफेक्टेंट जो यूज में ले रहे हो वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं.
activity of disinfectant. जो डिसइंफेक्टेंट आप यूज कर रहे हो उसकी क्या क्या एक्टिविटी है, एक तो कंटामिनेशन को प्रिवेंट करेगा, दूसरा उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा उसका टेम्परेचर टाइम रेंज ऑफ मोशन, टेम्परेचर कितना है, कितने टाइम के लिए रख रहे हैं और कितनी रेंज ऑफ मोशन है, वो किस मोशन से मूव कर रहा है. ओके ओके गाइस, ये क्या थी एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्शन, जिसमें क्या करता है, कंटामिनेशन होता है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, टाइमिंग एंड रेंज ऑफ मोशन. नाउ कम्स ऑन द डिसइंफेक्टेंट, कौन कौन से मेन जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज में लिए जाते हैं इन हॉस्पिटल. नेक्स्ट हेडिंग इज हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट. कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट हाई लेवलली हम यूज करते हैं, एक साइड आप जर्मिसाइड लिख लो, एक साइड उसके कंसंट्रेशन, जर्मिसाइड एंड उनकी कितनी कंसंट्रेशन हम यूज में लेते हैं, मतलब कितने परसेंट हम उनको यूज करते हैं. फर्स्ट वन आता है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लूटा एल्डिहाइड, जो किसके अंदर, साइडेक्स के अंदर आता है, इसको साइडेक्स भी बोला जाता है. ठीक है, ग्लूटा एल्डिहाइड, इसकी कितनी कंसंट्रेशन होती है, या तो मोर देन और इज इक्वल टू 2.0%. इट मीन्स आप मेनली 2% बोल सकते हो किसकी, ग्लूटा एल्डिहाइड की. नेक्स्ट वन आता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड. नेक्स्ट वन क्या आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड. सो गाइस इसकी कंसंट्रेशन होती है 7.5%. ठीक है, कितनी होती है, 7.5% इसकी कंसंट्रेशन होती है. नेक्स्ट वन आता है हाइपोक्लोराइड. हाइपोक्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है 650 to 675 ppm. 650 to 675 ppm में इसको मेजर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका पर एसिटिक एसिड जो यूज में लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.2, बिकॉज वो एसिडिक मीडियम है, सो इसलिए इसका अमाउंट कम लेते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिनोल, जो फिनोल्स होते हैं गाइस उसकी कंसंट्रेशन होती है 1.21 से लेके 1.21 आप रख सकते हो. ठीक है, 1.21% इसकी कंसंट्रेशन होती है. ये तो थे आपके कौन से, जर्मिसाइडल. अब आते हैं लिक्विड डिसइंफेक्शन. लिक्विड डिसइंफेक्शन में गाइस फर्स्ट वन आता है आपका इथाइल या आइसोप्रोपाइल. ठीक है, या तो इथाइल बोलते हैं हम उसको, या तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं. ओके, इसकी कंसंट्रेशन हम यूज में लेते हैं 70 to 90%. आइसोप्रोपाइल की कितनी कंसंट्रेशन, 70 to 90%. नेक्स्ट आता है क्लोरीन. कितना लेते हैं, 700. ठीक है, अब आता है आपका फिनोलिक की कंसंट्रेशन अभी मेजर नहीं है, इसलिए इसको हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड.
हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसकी होती है 0.4% इन द लिक्विड फॉर्म. ओके गाइस, ये क्या थे आपके डिसइंफेक्टेंट थे जो मेनली यूज में किए जाते हैं. अब आती है गाइस स्टरलाइजेशन के मेथड्स या टाइप्स आप बोल सकते हो. सो स्टरलाइजेशन कितने टाइप्स की होती है, मेनली टू टाइप्स की होती है, ठीक है, जिसमें आपकी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आती है. फर्स्ट कौन सी आती है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. सो जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है उसमें हम हॉट एयर ओवन यूज में लेते हैं, ठीक है. क्या यूज में लेते हैं, हॉट एयर ओवन. हॉट एयर ओवन का यूज होता है जिसमें उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड. 160 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम के लिए, आपके 2 आवर्स के लिए, ठीक है. अगर आप उसको 2 आवर्स के लिए रख रहे हो सो कितनी कंसर्न कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 160. और अगर उसका 180 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ओनली 1 आवर के लिए आप उसको रखोगे इंस्ट्रूमेंट को उसमें. ओके, इसमें हम क्या क्या डिसइंफेक्ट करते हैं, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक्स, रबर की जो चीजें होती हैं उनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में. ओके गाइस, अब आता है आपका ऑटोक्लेव. हॉट एयर ओवन का कितना टेम्परेचर बताया मैंने, 160 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 2 आवर्स के लिए रख रहे हैं, और 1 आवर के लिए अगर रख रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आता है ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव भी क्या है, स्टरलाइजेशन करने का एक मेथड है, टाइप है. इसमें प्रेशर, टेम्परेचर और टाइम वेरी करता है. प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम. ओके, अगर तो जो प्रेशर है वो अगर 15 LB है, ठीक है, या 15 PSI है, सो हम टेम्परेचर कितना रखेंगे, 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 50 मिनट्स के लिए. 15 मिनट्स के लिए हम उसको रखेंगे. नेक्स्ट वन आता है अगर उसका 20 IBS है. अगर उसका कितना है, 20 PSI है, तो कितना हम उसमें टेम्परेचर रखते हैं, 126 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 10 मिनट्स ओनली. क्योंकि आप देख रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका अगर 20 है, 20 PSI अगर है, देन हम 134 भी रखते हैं, ठीक है, 134, बट ओनली फॉर द 3 मिनट्स के लिए. इट मींस अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने स्टरलाइजेशन करनी है विद ऑटोक्लेविंग, तो टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन आता है आपका गाइस, जो मेन टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेविंग का वो ये होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 15 मिनट्स के लिए हम यूज में लेते हैं. अब गाइस नेक्स्ट मेथड हम फ्यूमिगेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है. फ्यूमिगेशन क्या होता है, मेनली स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव के बारे में आपने ध्यान रखना है, ठीक है. उसमें भी मेनली जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आता है फ्यूमिगेशन. तो फ्यूमिगेशन किसके थ्रू की जाती है, गैसेस के थ्रू की जाती है, ठीक है. इसमें क्या करते हैं हम, रूम कंटामिनेशन को बचाते हैं, ठीक है, प्रिवेंट रूम कंटामिनेशन. रूम को कंटामिनेटेड होने से बचाने के लिए क्या क्या मेथड यूज लेते हैं, फ्यूमिगेशन मेथड यूज में लेते हैं. इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोराइड, जो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है उनको रिलीज करते हैं रूम पे, ठीक है. कौन कौन सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्लोरीन ऑक्साइड गैस को क्या करते हैं,
रिलीज्ड करते हैं इन द रूम. मेनली फ्यूमिगेशन में याद करना है हमने क्या करना है, उसमें गैस को रिलीज करना है इन द रूम. अब नेक्स्ट आता है मेथड आपका पाश्चराइजेशन एंड द बॉइलिंग. सो गाइस जो फ्यूमिगेशन मेथड होता है वो डिपेंड करता है आप कितने कितने टाइम के लिए उसको फ्यूमिगेट कर रहे हो या फिर कौन से वार्ड को कर रहे हो. आईसीयू का फ्यूमिगेशन अलग होता है गाइस, वो 1 वीक तक भी चलता है. वो जो सर्जिकल वार्ड होते हैं उनका अलग होता है. एंड ओटी का फ्यूमिगेशन एवरी प्रोसीजर जब वहाँ पे या ऑपरेशन होते हैं डेली वहाँ पे फ्यूमिगेशन होता है. नेक्स्ट आता है मेथड आपका पाश्चराइजेशन एंड बॉइलिंग. ये सारे किसके मेथड है, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के. ठीक है, नेक्स्ट आता है पाश्चराइजेशन एंड बॉइलिंग. ओके गाइस, जो पाश्चराइजेशन होता है उसमें हम कितना लेते हैं, 65 टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर 30 मिनट्स के लिए हम यूज में लेते हैं. और मेनली जो इसमें हम डिसइंफेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल किसको करते हैं हम, रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट्स. कैसे उनको स्टाइल करते हैं, विद द यूजिंग ऑफ पाश्चराइजेशन. ओके, नेक्स्ट वन आता है मेनली टेम्परेचर. मैं बार बार बता रही हूँ आपको, स्टरलाइजेशन में आपने टेम्परेचर याद रखना है, हॉट एयर ओवन का कितना होता है, ऑटोक्लेव का कितना होता है, बॉइलिंग और पाश्चराइजेशन का 65 से लेके 77 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आता है आपका फिल्ट्रेशन मेथड. तो फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है गाइस, उसमें भी क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं. कहां से, जो इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स हम यूज में ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो हेपा मास्क होता है आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या करते हैं, हेपा मास्क यूज करते हैं. वो फिल्टर एयर आपको देता है. मतलब उसको लगाने का क्या फायदा है, जो आप एयर ले रहे हो वो फिल्टर होके आप तक आ रही है और आप उसको इनहेल कर रहे हो. ठीक है, वो किस में आएंगे, आपके फिल्ट्रेशन मेथड में, जो मास्क आप यूज करते हो डेली करते हो आजकल. ठीक है, सो वो फिल्ट्रेशन मेथड में आते हैं. नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोवेव. नेक्स्ट क्या है, माइक्रोवेव्स. गाइस माइक्रोवेव्स भी हम यूज में लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हीट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग. इसमें क्या करते हैं, हम जो प्लास्टिक्स और ग्लास के जो कुछ मटेरियल होते हैं छोटे छोटे, उनको हम इसमें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. किसमें, माइक्रोवेव में, बट यूजिंग ऑफ लिक्विड मटेरियल. सो गाइस ये क्या थे सारे आपके, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के मेथड थे. मेनली जो डिसइंफेक्शन में जो आपने याद रखना है, केमिकल्स याद रखने हैं कौन कौन से यूज में लेते हैं. ठीक है, और स्टरलाइजेशन में आपने क्या ध्यान रखना है, ऑटोक्लेव का प्रेशर कितना होता है, 15 होता है, 15 LB. फॉर 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखते हैं फॉर 15 मिनट्स के लिए. ठीक है, हॉट एयर ओवन का कितना होता है, 65 से 80 तक. ठीक है, और जो पाश्चराइजेशन का होता है वो भी 60 to 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. तो मेनली आपने ध्यान रखना है कि कितना टेम्परेचर, कितने टाइम के लिए हम उसको यूज में लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन मेथड. थैंक यू सो मच.